अस्सलाम वालेकुम मंसीस। तो भाई मामला ये हैं कि पिछली बार आपको याद होगा ड्राइवर ने हवेली जलाई थी, जिसकी वजह से उस पर क्रिमिनल चार्जेस आ गए थे। फिर हमने हाइस किया था, क्रिमिनल चार्जेस हटवाए थे। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये हुआ है कि जो माइकल के घर में एक टेनिस कोच है ना, आपने देखा होगा ये कोर्ट बना हुआ है। अमीर आदमी है माइकल, कोई गरीब आदमी तो है नहीं। तो माइकल के घर में एक कोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे जो है ना इसका वो बेगम को एक टेनिस कोच आता था जो कि इसकी कोचिंग करता था। लेकिन मामला यूँ है कि वो टेनिस कोच जो है ना वो एक फ्रॉडिया था, और उसने जो है ना घर से सारा माल, माइकल और फ्रैंकलिन उसके पीछे जा रहे हैं, तो टाइम ज़ाया नहीं करते, उसको पकड़ते हैं जाके। तो जिस तरह माइकल अभी घर आया आपके सामने, ये चोर पकड़ ले, चोर भागेगा घर से निकल के। तो वो देख रहे, चोर निकल के भाग रहा है। फ्रैंकलिन भी पहुंच गया था, क्योंकि माइकल को शक हुआ था कि वो टेनिस कोर्ट है वो फ्रॉडिया लग रहा है, क्योंकि माइकल ने रिसर्च कराई थी। घर में बंदा ऐसे तो कोई नहीं वाड़ लेता ना, तो उसने रिसर्च करवाई थी और पता चला कि भाई बंदा फ्रॉडिया चोर है। अच्छा, जिन्होंने मेन स्टोरी खोली आपको पता है फ्रॉडिया चोर नहीं है, जिसकी कहानी कुछ और है, लेकिन मैं अपनी स्टोरी बना रहा हूँ तो ये फ्रॉडिया चोर कर दिया मैंने, वरना अच्छा नहीं लगेगा ना यार। तो इससे पहले कि हमें कोई और नुकसान, अब हम उसके पीछे जा रहे हैं। अच्छा माइकल आपके सामने थोड़ा चिल सा बंदा है, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे मोटे चोरों से निपटना उसका रोज का काम है। आपके सामने वो आर्मी वार्मी सबसे निपटता रहता है, तो फिर उसके लिए चोर वोर क्या मसला है। तो वो अभी हम चोर के पीछे जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। अबे यार बंदा गायब हो गया, ये देखा बीच में फालतू में से रोड ब्लॉक किया है। देखा टेनिस कोच था, अब तू पागल का बच्चा, तेरा घर का एड्रेस पता है, सब पता है, तू उसके घर में आके चोरी कर रहा है तो ऑब्वियसली पता लग जाएगा। माइकल ने फ्रैंकलिन को इसलिए बुलाया था क्योंकि पता नहीं है ना यार वो चोर गोली गोली लेके घुसा हुआ, लेकिन नल्ला ही था। माइकल घर आया तो पता लग गया उसको कि गाड़ी उठानी कैसे है। तो माइकल घर आया तो उसको पता लग गया कि मामला क्या हुआ है। तो अब हम उसके घर पहुंच गए हैं, उसका घर ये रहा है। तो अब हम उसके पास पहुंच गए हैं। अब मैं नहीं चला रहा गाड़ी, खुद चला रहा है। अच्छा वो ऊपर छुप के खड़ा है। यू गॉट द रॉन्ग, ऐसे कैसे रॉन्ग आइडिया, मेरे घर में चोरी कर रहा है, मुझे रॉन्ग आइडिया। ओके भाई, तो क्या हो गया भाई, पागल तो नहीं है, ऊपर जाके मारेंगे इसको। कपड़े तो पहन ले पहले। ये वही वाली बात हो रही है कि जो टेनिस में ये जो सिखा, टेनिस के चक्कर में घर में घुसा हुआ था, वो इसको अब यही कह रहा है कि अब तू बच। टेक माय मनी, देखा I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my and we'll see how you like it. तो भाई माइकल कह रहा है कि तेरा तो मैं पूरा घर ही गिरा दूंगा, जो कि पागल वाली हरकत है। मतलब जो काम ट्रेवर ने किया वो माइकल कर रहा है, अब इसको पैसे वैसे ना भरने पड़ेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब गिराना तो पड़ेगा, आ जा भाई। मुझे लग रहा है इसका पूरा घर जो है ना, एक गाड़ी से पूरा घर कैसे गिर सकता है। ये जो लोग इतने महंगे महंगे घर बनाते हैं ना अपने, जा जाके माउंटेन एरिया, हिली एरिया, एंड आई एम गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यू गोना लिव इन पीस, इस तरह घर गिरा सकते हैं आराम से बंदा। तो मुझे लग रहा है कि अब ये घर गिर जाएगा और फिर देखते हैं क्या होता है। एक टेनिस कोच हमारा क्या बिगाड़ लेता, मगर वो चोरी करने आया है, क्या पता उसके पीछे कोई बड़ा हाथ हो, वी डोंट नो। लेकिन पूरा घर तो हमने तबाह कर दिया उसका, ऐसी की तैसी कर दी। पूरा घर तबाह कर दिया हमने। ओ भाई, हमने उसका पूरा घर ही गिरा दिया है। अब मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे वापसी घर जाना होगा। हमें कोई टेंशन तो है नहीं, वो ऐसे ही छोटा मोटा टेनिस कोच, गली मोहल्ले का चोर था, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। देखा आप सकून से वापसी घर जाने का बोल रहा है, क्योंकि गली मोहल्ले के चोर हमारा क्या बिगाड़ेंगे यार, हमने पुलिस की बजा के रखी है। हैं, टेनिस कोच का घर नहीं था वो। बॉयज का भंड हो गया। जो लड़की पीछे आई थी ना जिसने, ओ ये क्या है, मार्टिन मड्राजो का घर है। ये बंदा कौन है मार्टिन मड्राजो, मुझे इतना तो नहीं पता। कॉल काटो, एक बंदा तो फेल दिया मैंने इसका।
एक गाड़ी तबाह कर दी, एक गाड़ी तबाह कर दी। ओ भाई मुझे नहीं पता था मार्टिन, मुझे लगा टेनिस कोर्ट। वैसे अक्कल की बात है, मैं तो फिर से चाहिए टेनिस कोर्ट, इतना महंगा घर, इतना मतलब एक्सपेंसिव जगह पे घर था वो। मैं वही अभी कॉमेडी कर रहा था कि वो मसला ये है कि अगर ये घर इसका नहीं था जो माइकल, तो ये मार्टिन मड्राजो कौन है जिसने इतना बंदा हमारे पीछे एकदम लगा दिया? मतलब इतना तो नहीं दो जानते हैं, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ। जिस बंदे के पास बंदे एट डिस्पोजल हैं, फेल दिया। चल भाई, तो अब कोई कहानी नहीं आई है कि मार्टिन मड्राजो बंदा है जिसका घर था हमने गिरा दिया है, मैं टेनिस कोच का समझ के। वैसे अब कल काम नहीं करी, इतना टेनिस वाला इतना पैसा कैसे कमा सकता है, कमा ही नहीं सकता कभी भी। हालांकि माइकल थोड़ा कूल हेडेड है, मतलब ये ऐसे काम ड्राइवर को सूट करते हैं, लेकिन माइकल ने भी ऐसा काम कर लिया सिर्फ थोड़े से पैसे घर से चुराने को। तो अब देखते हैं भाई कौन है मार्टिन मड्राजो जिसका हमने घर बार तबाह किया, जिसने बंदे पीछे लगा दिए, वो कोई हैवी बंदा ही होगा ना। अब ये तो काम बिगड़ गया, आगे पता नहीं क्या होता हमारे साथ, लेकिन अभी ये काम बिगड़ गया, एक अच्छा खासा बिगड़ गया। एक तरफ उसने हवेली फोड़ दी है, एक तरफ उसने घर तोड़ दिया, दोनों पागल जो है ना। गाड़ी के हमने बजा दिए। अच्छा भाई चौड़े में आ रहा है मार्टिन मड्राजो, देख लूंगा बच्चा है अपने बच्चा है। माइकल ने कहा जो माइकल मार्टिन मड्राजो बच्चा है अपने बच्चा है, कोई टेंशन नहीं है। I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Oh, वो आंटी जो जिन्होंने फोन मिलाया था पीछे, नहीं थी वो जो टेनिस कोच है खड़ी? Do you know who I am? Do you? No. No. I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. हाँ, लाइसेंस दे देगा पागल, तो उसको तेरा भी एड्रेस पता लग जाएगा, उसको वो बोल भी रहा है कि तेरा मुझे घर का एड्रेस पता है। No. Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. तो फ्रैंकलिन जानता है मार्टिन को? Now maybe give him nice. A little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman. तो बिजनेसमैन का क्या है? हम जैसे रॉन्ग फीलिंग के ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गेम हो गई बॉयस। मतलब मार्टिन मड्राजो भी कोई बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड टाइप बंदा है। पाब्लो एस्कोबार अपने घर का ओ भैंस की तुम मार दिया माइकल को। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, भंड हो गया। Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. Eh? I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? No, no. Of course. Great. Oh, bhai, wo dhamki de gaya hai ki ab jo hai jo ghar tumne toda hai uske paise bharo. और पैसे हमारे पास है नहीं, तो हमें करना पड़ेगा कोई ना कोई और हाइस्ट या कोई लंबा काम हाथ डालना पड़ेगा। तो ये तो मामला खराब हो गया बॉयस। Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. तो माइकल कह रहा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं महिंदा से चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अब उसको पोस्टपोन करनी पड़ेगी चोरी, क्योंकि अब इसने इतना बड़ा भंड मारा है, उसको 2.5 मिलियन चाहिए सिर्फ मार्टिन मड्राजो को देने के लिए। और यहाँ पे हमारा मिशन तो खत्म हो गया है, लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेंज कि माइकल ने ऐसी हरकत की। टेनिस कोच कैसे इतना बड़ा घर अफोर्ड कर सकता है, उसने वो घर भी गिरा दिया। ओके बॉयस, तो मार्टिन मड्राजो को देने के लिए पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे, क्या हिसाब किताब बनेगा, वो सब तो आपको पता लगेगा अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कुछ लोग कह रहे थे मेरा ऑनलाइन का गैराज टूर, तो वो भी आ जाएगा जल्दी, लेकिन तब तक के लिए ठीक है भैया, पीस आउट।